भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने जा रहे हैं, दीनदयाल जी के सपने को साकार करने जा रहे हैं, और सही मायने में गांव की आबादी का मालिकाना हक प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत आजाद भारत के 73 साल बाद उनका गांव के लोगों को उनका हक दिलाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये ऐतिहासिक दिन होगा 11 अक्टूबर। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन गांव को आजादी दिलाई है मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को, और उसकी नींव रखी थी। और कल 11 अक्टूबर को जब वो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के स्वामित्व के अधिकार संपत्ति के प्रॉपर्टी के मिलेंगे प्लाट के मकान के गांव वालों को, तो वो सही मायने में आजाद होंगे। अब गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव के लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। अब गांव और किसान और मजदूर गांव का व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, और जब गांव का व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा, तो देश आत्मनिर्भर होगा और भारत शक्तिशाली समृद्धशाली और वैभवशाली बनेगा। कांग्रेस ने 50 साल गांधी जी के नाम पर राज किया, लेकिन गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। अगर गांधी जी के सपनों को किसी ने साकार किया है तो वो हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इसलिए इस देश में अगर कोई सच्चा गांधीवादी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनको हक है गांधीवादी कहलाने का, कांग्रेसियों को नहीं। और इसलिए मैं पूरे मध्य प्रदेश के और देश के ग्रामीणों की ओर से, क्योंकि मैं भी गांव का किसान का बेटा हूं, गांव के तरफ से, सभी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। अब सही मायने में गांव आजाद होंगे, अब गांव का तेजी से विकास होगा, अब गांव के लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होने से अब वो कोर्ट में जमानत के रूप में उपयोग हो सकेगी, लोन ले सकेंगे, लिमिट ले सकेंगे, उद्योग धंधे व्यवसाय कर सकेंगे। अब किसान मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होगा, अब गांव में भी उद्योग धंधे और कृषि क्षेत्र में भी उद्योग धंधे लगेंगे, और इस प्रकार गांव और शहर मिलकर देश एक होगा। गांव के साथ जो 50 साल तक कांग्रेस ने भेदभाव करके रखा, उपेक्षा करके रखी, वो मोदी जी ने दूर की है, और गांव को आगे बढ़ने का, व्यवसाय करने का, तरक्की करने का उन्होंने अवसर दिया है, इसलिए हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।